हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सेफ्टी साइन यानी सुरक्षा चिन्ह के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह चिन्ह हर कारीगर को पता होना चाहिए, चाहे वह किसी भी फील्ड में कार्य करता हो। खासकर इलेक्ट्रीशियन को यह चिन्ह अवश्य पता होना चाहिए। सुरक्षा के लिए यह चिन्ह अनेक स्थानों पर लगे होते हैं, जैसे कारखानों में, रेलवे स्टेशनों पर तथा अस्पतालों में भी कई प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं एक एक के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सुरक्षा चिन्ह चार प्रकार के होते हैं। प्रोहिबिटिव साइन, जिसे हिंदी में निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। दूसरा मैंडेटरी साइन, जिसे हिंदी में अनिवार्य चिन्ह कहते हैं। तीसरा वार्निंग साइन, जिसे हिंदी में चेतावनी चिन्ह कहते हैं। चौथा इंफॉर्मेशनल साइन, जिसे हिंदी में सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों, इन चारों में क्या अंतर है, एक एक के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला चिन्ह है प्रोहिबिटिव साइन, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब है उस कार्य को न करना, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए मना करना तथा उस कार्य को न करने के लिए इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। यह चिन्ह वृत्त के आकार में बने होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस चिन्ह का बैकग्राउंड सफ़ेद होता है और उस सफ़ेद बैकग्राउंड पर एक काली आकृति बनी होती है और उस गोले के चारों तरफ लाल रंग का बॉर्डर और आकृति पर क्रॉस बार बनी होती है। कुछ निषेधात्मक चिन्ह जैसे डू नॉट रन, यानी यहाँ पर दौड़ना मना है। दूसरा है नॉट स्मोकिंग, यानी यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। तीसरा नो निक्ट फ्लैम, यानी यहाँ पर आग जलाना मना है। ऐसे बहुत से चिन्ह आते हैं। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, दूसरा चिन्ह है मैंडेटरी साइन यानी अनिवार्य चिन्ह। दोस्तों, यह चिन्ह पहले चिन्ह का ठीक उल्टा होता है, यानी इस चिन्ह के द्वारा आपको वह कार्य करना ही है जिससे आपको कार्य करते समय सुरक्षा मिल सके। ये चिन्ह भी गोलाकृति में बने होते हैं, परंतु इनका बैकग्राउंड नीला होता है और उस नीले बैकग्राउंड पर एक सफ़ेद आकृति बनी होती है, परंतु इस चिन्ह पर कोई क्रॉस पट्टी नहीं होती है। कुछ अनिवार्य चिन्ह जैसे रियर हेड प्रोटेक्शन, इस संकेत का मतलब है आपको हेलमेट पहनना ही है। दूसरा है रियर आई प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पर चश्मा लगाना है। तीसरा है रियर फुट प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पर आपको जूता पहनना है। ऐसे ही बहुत से चिन्ह हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है। तो अब बात करते हैं तीसरे चिन्ह के बारे में। तीसरा चिन्ह है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। दोस्तों, इन चिन्हों के माध्यम से आपको सचेत किया जाता है, मतलब इस कार्य को करने पर खतरा है या इस जगह खतरा है, आप इस कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। ये चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं, जिसका बैकग्राउंड पीला होता है तथा उस पीले बैकग्राउंड पर एक काली आकृति बनी होती है। कुछ चेतावनी चिन्ह जैसे रिस्क ऑफ फायर, यानी यहाँ पर आग लगने का खतरा है। दूसरा है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी यहाँ पर बिजली लगने का खतरा है। तीसरा है टॉक्सिक हजार्ड। चौथा ओवरहेड लोड। ऐसे ही बहुत से चिन्ह इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सूचनात्मक चिन्ह के बारे में। इस चिन्ह का मतलब है आपको सुरक्षा संबंधित सूचनाएं देना। यह चिन्ह वर्गाकार आकृति में बने होते हैं, जिसका बैकग्राउंड हरा होता है तथा उस पर सफ़ेद आकृति बनी होती है। कुछ सूचनात्मक चिन्ह जैसे फर्स्ट एड अवेलेबल, यानी यहाँ पर प्राथमिक उपचार की सुविधा है। दूसरा इमरजेंसी डोर, इसका मतलब यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में एक दरवाज़ा बना हुआ है। तीसरा है इमरजेंसी फोन। चौथा है वेटिंग प्लेस। ऐसे ही बहुत से चिन्ह इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।